हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी एट अभिविद्या. वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और आज हम यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे फॉर जनरल साइंस. राइट, जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे. सी हियर स्टूडेंट्स, एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जनरल स्टडीज़. राइट, इतने मार्क्स तो नहीं हैं, बट हाँ जितने भी हैं, राइट, वो आपकी रैंक इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं. राइट, सो लेट्स सी. राइट, तो हम क्या करेंगे, टॉपिक के साथ साथ स्टूडेंट्स एमसीक्यू भी देखते जाएंगे. सो ओके, स्टार्ट करते हैं हम. स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो हमारा 2024 में हो रहा है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे यू नो ऑफर है. ओनली एंड ओनली रुपीज़ 499 के अंदर स्टूडेंट आप ये कोर्स पूरा ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, CBEC और जितने भी यू नो एग्ज़ाम आते हैं अंडर एसएससी सीजीएल के, उन सब की आप एक कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं. राइट, सो आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट, सो ओके, सो लेट स्टार्ट अवर लेक्चर. इवन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी SSC, CHSL, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन करके आप कोई भी अपना डाउट जो है उसको क्लियर कर सकते हैं. राइट, ओके, हाँ जी. तो टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे, टॉपिक कुछ हम कवर करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस की करेंगे स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेनेशन. राइट, एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टूडेंट, उनको हम एक्सप्लेन भी यहाँ पे करेंगे. राइट, ओके, तो इससे होगा क्या स्टूडेंट, इससे आपका एक यू नो टाइम भी सेव होगा. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा यू नो टॉपिक कवर करें, आप एमसीक्यू के साथ साथ उस टॉपिक को कवर करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे जनरल साइंस के. राइट, तो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने की, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है. राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसको अटेम्प्ट कीजिए. राइट, बहुत ही हमारी जो बेसिक जर्नल साइंस है ना स्टूडेंट, ये वहाँ से क्वेश्चन है, सारे उसी से क्वेश्चंस हैं. राइट, उससे बाहर मैं कभी भी आपसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करते. क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी एमसीक्यू हैं, चाहे फिर वो PYQ हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे यहां से कवर होते हैं. राइट, और इवन अगर आपको बुक भी पढ़नी है तो स्टूडेंट यू कैन रिलाई ऑन ओनली एंड ओनली 9th 10th NCERT, 9th 10th की जो स्टूडेंट हमारी NCERT है ना, उस पर आप रिलाई कर सकते हैं. राइट, और उनको आप अगर आप उसकी मल्टीपल टाइम्स अगर आप रिवीजन कर दोगे तो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर सको. ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स. बाकी आपको नीड भी नहीं है उसको पढ़ने की, क्योंकि हम यहाँ पे यू नो टॉपिक्स तो कवर कर ही रहे हैं साथ के साथ, तो बहुत ही यू नो यूजफुल थिंग है ये. राइट, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं. कहता है विच टाइप ऑफ द ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग केमिकल अपरेटस लाइक बीकर, फ्लास्क एक्सेट्रा. तो इसको बनाने के लिए राइट कौन से टाइप का, राइट कौन से टाइप का हम ग्लास यूज़ करते हैं. राइट, केमिकल अपरेटस आपने किसी ना किसी स्टूडेंट ने पक्का लैब के अंदर कभी ना कभी काम तो किया ही होगा. इवन स्टूडेंट आपने 10th क्लास तक भी अगर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आप साइंस लैब में गए होंगे, तो आपने बीकर, फ्लास्क वगैरह ज़रूर देखे होंगे, है ना. बीकर कुछ इस टाइप का होता है. राइट, फ्लास्क जो है वो कुछ इस टाइप की होती है. ठीक है, तो ये वाले अपरेटस जो है वो किस से बने हुए हैं स्टूडेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ अवर हार्ड ग्लास. ठीक है जी, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट. क्या है हार्ड ग्लास? इज ए पोटाश लाइम ग्लास. कौन सा ग्लास होता है स्टूडेंट? पोटाश लाइम ग्लास विद हाई सिलिका कंटेंट. ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिलियंट ग्लास वेयर्स. दिस टाइप ऑफ ग्लास इज आइडियल फॉर टेलीस्कोप मिरर्स, लेबोरेटरी केमिकल इक्विपमेंट एंड अदर प्लेसेस वेयर इट इज इम्पेरेटिव फॉर द ग्लास ऑब्जेक्ट्स टू रिटेन देयर शेप, सो दैट उनकी शेप जो है वो बनी रहे. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप केमिकल यूज़ करते हो लैब के अंदर. ठीक है, तो उनकी शेप जो है ना वो बनी रहनी चाहिए, वो रिटेन करके रखे. ठीक है, तो इसके लिए हम हार्ड ग्लास यूज़ करते हैं स्टूडेंट. इज़ ए पोटाशियम लाइम ग्लास विद हाई सिलिका कंटेंट. ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे. ठीक है जी,
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 15 सेकंड का, 10 सेकंड का आप पॉज लीजिए, ठीक है। उसको क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, एक बार में क्वेश्चन समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ो उसको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है जी। ओके, तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following instruments is used for measuring low temperature? आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। सबसे सिंपल जो हमारा थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास मर्करी होती है, राइट, जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहती है, लिक्विड रहती है, राइट। इट इज़ द ओनली मैटर जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहती है, लिक्विड रहती है, राइट। तो लो टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो, फॉर एग्जांपल वो 0 डिग्री से भी वो नीचे है, ठीक है, तब आप क्या यूज़ करोगे उसको मेज़र करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है क्रायोमीटर, क्रोमेटोमीटर, साइमोमीटर, डाइगोमीटर। तो क्या करोगे यूज़, क्रायोमीटर। क्या यूज़ करोगे स्टूडेंट्स, क्रायोमीटर, ठीक है जी। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, कहता है क्रायोमीटर इज़ ए थर्मोमीटर used to measure very low temperature of object. It is usually filled with alcohol. किससे होते हैं, alcohol से भरे होते हैं, for measuring lower temperature. क्या measuring करने के लिए, lower temperature than a mercury thermometer will register. ठीक है जी। तो cryometer है is a thermometer used to measure very low temperatures of objects. It is usually filled with एल्कोहल। किससे भरे होते हैं वो, एल्कोहल से, ठीक है, ना कि मर्करी से। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्वेश्चन है, पढ़िए। हाँ जी, तो क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट। तो पहला कहता है प्रोटॉन, दूसरा कहता है न्यूट्रॉन, तीसरा कहता है एटॉमिक न्यूक्लियस, चौथा कहता है हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, राइट। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सी हियर स्टूडेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं था स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल था। उसने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड की बहुत ही थिन फॉइल लेता है वो, ठीक है, और उसके ऊपर वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, यू नो दैट, पॉजिटिव चार्ज। तो उसकी वो बम्बार्डमेंट करवाते हैं, उसकी वो क्या करता है, बम्बार्डमेंट करवाता है किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। और जब वो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाता है उस फॉइल के ऊपर, राइट, तो वो 2-3 चीज़ें नोट करता है, ठीक है। वो देखते हैं कि कुछ जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, वो कुछ सीधे निकल जाते हैं, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल उसी एंगल से वापस आ जाते हैं, मतलब कि वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं वापस टकरा कर, ठीक है। तो जब वो ऐसा देखता है, ऐसा जब वो एक्सपेरिमेंट करता है कि कुछ जो है वो डायरेक्टली पास हो जाते हैं, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं, कुछ जो है वो अपने एंगल से क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनके बेसिस पे वो 2-3 कंक्लूजन्स निकालता है अपनी इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे। पहला वो ये बोलता है कि जो हमारा एटम है उसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। क्या है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, मतलब कि बहुत सारा खाली जगह पड़ी हुई है। दूसरा वो ये बोलता है स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जो नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से अब अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर क्या है,
पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अच्छा, थर्ड वो ये कहता है स्टूडेंट कि सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर क्या है, कोई तो ऐसी चीज है, कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जिससे टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल वापस से डेविएट हुए, ठीक है, जिससे उसको ये पता चलता है कि जो हमारा एटम है उसके सेंटर में एक कॉन्सेंट्रेटेड मास है स्टूडेंट, ठीक है, जिसको जिसकी वजह से डिस्कवरी होती किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्कवरी होती है किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है जी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। अच्छा, डेविएट क्यों करते हैं पार्टिकल वहाँ से, उससे टकराने के बाद, क्योंकि आप ये देखो कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हमारे न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स पड़े होते हैं, कौन से, प्रोटॉन्स, ठीक है, दैट्स वाई पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। सो इसकी वजह से स्टूडेंट हमारा क्या डिस्कवर होता है, हमारा देखिए, रदरफोर्ड स्कैटरिंग इज द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल बाय द कूलम इंटरेक्शन, इट इज फिजिकल फिनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज पड़ी होती है स्टूडेंट, हमारा प्रोटोन पड़ा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है, हमारा प्रोटोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। तो डिस्कवरी किसकी होती है स्टूडेंट, हमारी एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, ठीक है जी, ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप अटेम्प्ट कीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन डीकलराइज पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है, कहता है कौन सा ऐसा एसिड है जो डीकलराइज करता है किसको, पर्पल कलर को, कौन किसके पर्पल कलर को, पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को, ठीक है, तो कौन करता है बताइए, ठीक है, तो देखिए कहता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ए, ठीक है, सिट्रिक एसिड टर्न्स पोटासियम पर मैग्नेट फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हमारा पोटासियम पर मैग्नेट है विल ऑक्सीडाइज सिट्रिक एसिड, वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, सिट्रिक एसिड को, किसमें, CO2 में और वाटर के अंदर, एंड इट सेल्फ विल टर्न इंटू ऑलमोस्ट कलरलेस मैग्नीशियम टू पॉजिटिव इन एसिडिक एनवायरनमेंट और इन टू ब्राउन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेसिपिटेट, ठीक है जी। तो सिट्रिक एसिड जो है वो क्या करेगा, पोटासियम पर मैग्नेट को पर्पल कलर से कलरलेस बना देगा, ठीक है। अपने ना दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट, एक होते हैं हमारे एसिडिक सॉल्यूशन और वो एक होते हैं हमारे बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक होते हैं हमारे एसिडिक सॉल्यूशन और एक होते हैं हमारे बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। किसी चीज को हम एसिडिक कब बोलते हैं, जब उसकी पीएच जो क्या हो, लेस देन 7 हो, राइट, इसका मतलब जो हमारे एसिडिक होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में वो थोड़े खट्टे होते हैं, है ना, आपको पता होगा टेस्ट में क्या होते हैं स्टूडेंट, थोड़े से खट्टे होते हैं, जैसे कि हमारा सिट्रिक एसिड है। अब सिट्रिक एसिड क्या है, एसिडिक है, राइट, यस और नो, ये सर, वो जो बेसिक होते हैं वो खाने में थोड़े से क्या होते हैं, हमारे थोड़े से बिटर इन टेस्ट होते हैं, जैसे कि सोप हो गया, राइट, कड़वे होते हैं, ठीक है, दे आर इन बिटर टेस्ट, ठीक है, सोप हो गया हमारा, राइट, दे आर इन बिटर टेस्ट, राइट। सो सिट्रिक एसिड जो है वो क्या करेगा, पोटासियम पर मैग्नेट को पर्पल से किसमें कर देगा, कलरलेस कर देगा, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और क्या करेगा, पोटासियम पर मैग्नेट जो है विल ऑक्सीडाइज सिट्रिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, एंड इटसेल्फ विल टर्न इनटू ऑलमोस्ट कलरलेस मैग्नीशियम टू पॉजिटिव इन एसिडिक कंडीशन और इनटू बर्न और इन ब्राउन कलर किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, कहता कौन सा एसिड है जो डीकलराइज करेगा किसको, पोटासियम पर मैग्नेट सोल्यूशन को, तो दैट इज अवर सिट्रिक एसिड, ओके। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन हम आज नहीं कर रहे, पहले भी किया हमने, ठीक है, तब वहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग हर चीज़ समझाई थी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल,
आपने देखा होगा बहुत बार, खास करके सर्दियों के टाइम पे आपने देखा होगा कि अगर बाहर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट पड़ा हो, राइट, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर रस्ट लग जाती है रेड रेड कलर की, है ना। और उसके ऊपर जब आप उसको ऐसे हटाते हो तो लेयर बाय लेयर करके आयरन जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, रस्ट की फॉर्म में उतरना शुरू हो जाता है ना। सो क्यों ऐसा क्यों है, ड्यू टू द, बताइए किसकी वजह से होता है वो। तो करेक्ट ऑप्शन इज अवर सी, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द कोरोजन, ठीक है, कोरोजन की वजह से होता है स्टूडेंट, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, यू नो दैट कि जो हमारा जो आयरन है Fe है वो क्या करता है स्टूडेंट, रिएक्ट कर जाता है बाहर की इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या है, देखिए, कोरोजन इज डिफाइंड एज द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू दियर रिएक्शन विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में क्या पड़ा हुआ है हमारे, ऑक्सीजन है, राइट। दिस कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज द रस्टिंग, इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉय आयरन ऑब्जेक्ट लेफ्ट आउट इन द ओपन एंड मॉइस्ट एयर व्हेन आयरन मेटल इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन। देखो वही चीज लिखी हुई, जब आयरन मेटल को आप एक्सपोज करते हो किसमें, ऑक्सीजन में और वाटर में, ए फेमिलियर रिजल्ट इज ऑब्जर्व्ड, रस्ट कंबाइनिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वन सेकेंड, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन गिव्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। आयरन और हमारा ऑक्सीजन जो है वो मिलकर क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर प्रोड्यूसेस ए पिंक कलर इन ए एल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, एल्केलाइन सॉल्यूशन। अभी अभी बताया ना मैंने दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, एक हमारे अल्काली मतलब कि जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, एल्केलाइन जो हमारे बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या चीज़ है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, इंडिकेटर का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जब वो एल्केलाइन या फिर वो अल्काली मतलब कि एसिड या फिर वो बेस के साथ जब वो रिएक्ट करती है तो आपको एक कोई ना कोई सिग्नल मिलता है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है कि हाँ जी ये बेसिक है सॉल्यूशन या फिर एसिडिक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका टर्मरिक का मान लो आपने रात को सब्जी खाई कोई, ठीक है, और टर्मरिक कोई स्पॉट लग गया आपके वाइट क्लोथ के ऊपर, ठीक है, अभी स्पॉट लग गया, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे स्टूडेंट आप उसको सोप के साथ रब करते, ठीक है, तो येलो कलर का वो जो निशान है, वो जो स्पॉट है, वो रेड से कलर में चेंज हो जाता है। वाई वाई, क्योंकि सोप इज द इंडिकेटर, ठीक है, क्योंकि वो जो टर्मरिक है, राइट, तो जब वो सोप के साथ रिएक्ट, अभी सोप क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है, तो दैट्स वाई वो जो स्पॉट है वो रेड कलर का हो जाता है, और रेड कलर क्या है, एक इंडिकेट करता है, ठीक है, एक तरह का इंडिकेटर है वो, मतलब रेड कलर शो करता है कि हाँ जी यहाँ पे एसिड बेस रिएक्ट किए, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा खट्टी चीज़ें होती हैं, है ना, एसिडिक चीज़ें होती है, जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड किस में मिलता है, ऑरेंज है, लेमन है, राइट, तो आपका कर्ड है, ये सब क्या है, एसिडिक इन नेचर है ना, इनकी पीएच 7 से कम होती है। अच्छा, हमारा ब्लड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, क्यों, उसकी पीएच थोड़ी सी 7 से ज़्यादा होती है, राइट, कुछ चीज़ों का जो पीएच है वो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, जैसे कि हमारा वाटर है, मिल्क है, इसमें जो आपकी पीएच होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, बिल्कुल एकदम 7 पे होती है ना, जो आपका पीएच स्केल होता है, राइट। तो देखिए, कहता है मिथाइल, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज जो हमारा इंडिकेटर है ना स्टूडेंट, वो क्या करता है, पिंक कलर प्रोड्यूस करता है इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। जब भी आप मिथाइल ऑरेंज को किसी एल्केलाइन सॉल्यूशन में, एल्केलाइन मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन में जब उसको डिप करोगे तो ब्राइट पिंक कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, ब्राइट पिंक कलर आपको क्या करेगा, इंडिकेट की तरह देगा, इंडिकेटर की देगा कि हाँ जी ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है, ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है। कौन करेगा ऐसा, मिथाइल ऑरेंज कौन करेगा, सॉरी स्टूडेंट आई एम रियली सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज फिनोप्थिलिन सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज फिनोप्थिलिन सोल्यूशन, देखिए फिनोप्थिलिन, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, दिस इज माई मिस्टेक, मिथाइल ऑरेंज ने स्टूडेंट फिनोप्थिलिन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज फिनोप्थिलिन।
फिनोप्थ्रीन जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है जब भी हम उसको एक्सपोज करते हैं, जिसकी पीएच जो है वो 8.2 मतलब कि 7 से ज़्यादा होगी, है ना। दिस कलर चेंजेस इज द रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन, किसकी वजह से होगा, आयोनाइजेशन होगी विच ऑल्टर द शेप एंड चार्ज ऑफ द फिनोप्थ्रीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर शेप और चार्ज चेंज हो जाते हैं। दिस कॉजेज इज टू ब्लॉक द ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम व्हेन एक्सपोज टू अल्कलाइन सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस ए पिंक टू पर्पल ह्यू। ठीक है, आपको बहुत ही ब्राइट कलर का, बहुत ही प्यारा सा आपको पिंक कलर दिखाई देगा, किसमें, फिनोप्थ्रीन सॉल्यूशन में। जब भी आप उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करोगे तो एज ए इंडिकेटर वो आपको पिंक या फिर पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा वहां पे। ठीक है जी, ओके ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पे। हाँ जी, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप सबको पता ही होगा, है ना, जब भी कोई हड्डी टूट जाती है, बोन वगैरह कोई फ्रैक्चर हो जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं डॉक्टर्स उसको क्या करने के लिए, उस फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए, है ना। तो आपकी बाजू पे क्या करते हैं वो, आपकी बाजू पे वो क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो पेरिस ऑफ प्लास्टर लगा देते हैं ना, सो दैट आपकी हड्डी जो है कुछ टाइम के लिए सीधी रहे और वहाँ पे बिल्कुल भी क्या ना आए, कोई भी ऐसे मतलब उसको जोर ना आए या मतलब कुछ भी ऐसा ना हो, ठीक है, कोई दबाव वगैरह ना आए, सो दैट आपकी हड्डी को टाइम मिल जाए कि वो अपने आप रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो बताइए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पेरिस ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, तो कैसे बनाते हैं स्टूडेंट बताइए, फटाफट से आंसर करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका। तो देखिए आगे फर्दर। हाँ जी, तो पेरिस ऑफ प्लास्टर जो है उसको कैसे बनाते हैं हम, तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जब हम हीट जिप्सम को हीट करते किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो जिप्सम जो है जो एक बिल्कुल सॉफ्ट सल्फेट मिनरल है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, किसका है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। ठीक है, विद केमिकल फॉर्मूला, क्या केमिकल फॉर्मूला है, CaSO4 2H2O। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर जिप्सम जो है वो 3/4 अपना पानी लूज कर जाता है और क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, फॉर्मिंग द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा 2 CaSO4 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। हाँ जी, ठीक है जी, समझ आया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या ट्रीट करते हैं, क्लोरीन को किस चीज़ से ट्रीट करते हैं, बताइए फटाफट बताओ स्टूडेंट। हाँ जी, तो किससे करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो किससे ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स, बताओ फटाफट से आप यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो उसको हम रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब उसको हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, राइट, तो क्लोरीन गैस के साथ जब हम उसको रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनते हैं स्टूडेंट हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है जी, ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी। हाँ जी, विच प्रॉपर्टी ऑफ आयरन मेटल इज यूटिलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग आयरन शीट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बकेट्स। यू नो दैट कि जो आयरन है स्टूडेंट वो क्या है, वो मेलेबल है, मेलेबल का मतलब होता है कि जिसको आप स्ट्रेच कर सको,
राइट, जिसको आप क्या कर सको स्टूडेंट, स्ट्रेच कर सको, ठीक है, सो दैट आप उसको क्या कर सको, स्ट्रेच करके उसको आप लॉन्ग शीट्स के अंदर क्या कर सको, बना सको, पतली पतली उसकी चादर बना सको, है ना, ठीक है. तो दैट इज ड्यू टू द मेलेबिलिटी, दैट इज ड्यू टू द मेलेबिलिटी, ठीक है. तभी तो उन शीट्स को आप यूज करके क्या करोगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाओगे, ठीक है, जैसे बकेट्स हो गई या कुछ भी जो भी आप आयरन की शीट से बनाते हो, ठीक है, ठीक है, ओके. तो देखिए यहाँ पे कहता है मेलेबिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट डिफाइंस द एबिलिटी टू बी हैमर्ड. हैमर्ड मतलब कि आप उसको पीट सको, प्रेस कर सको, रोल कर सको इन टू द थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, टूटनी नहीं चाहिए वो, ठीक है. मान लो यहाँ पे आप सॉल्ट पड़ा है, उसको आप अगर पीटोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा वो, ठीक है. लेकिन आयरन क्या है, अगर आप उसको पीटोगे या आप उसको रोल करोगे, छोटी उसमें से बारीक चादरें निकालोगे आप उसकी पतली पतली, ठीक है, तो वो टूटता नहीं है, ठीक है. दस आयरन यूटिलाइजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी इन प्रोड्यूसिंग आयरन शीट फॉर मेकिंग द बकेट्स, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज अवर मेलेबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ओवर होता है. बट बिफोर लीविंग सीयर स्टूडेंट, मैं आपको कुछ यहाँ पे शो करना है आपको, ठीक है. पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप लेक्चर को ओवर कर सकते हैं, ठीक है जी. देखिए राइट, आपको जाना है स्टूडेंट्स अभिपीडिया पे. अभिपीडिया पे जाने के बाद स्टूडेंट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप चूज़ एग्ज़ाम पे जाइए. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की करनी है, एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन करनी है, तो लो जी एसएससी एमटीएस पे आ गए. आने के बाद स्टूडेंट आप नीचे आइए, नीचे आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे, आपको क्लिक करना है माइक्रोवर्स के ऊपर. हो गया, क्लिक हुआ माइक्रोवर्स. अब क्या है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी. उस पर आप कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप कर लो, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है. अभी फॉर एग्जांपल आपको करंट अफेयर तैयार करना है या करंट जीके रेडी करनी है आपको फॉर द एमटीएस, तो लो इस पर क्लिक कीजिए. किया तो आप ओनली एंड ओनली 177 रुपीज़ में स्टूडेंट आप सारी की सारी हमारी क्या रेडी कर सकते हैं, करंट जीके रेडी कर सकते हैं. अगर आपको सिर्फ आर्ट एंड कल्चर करना है आप 7 रुपीज़ में, अकेले अवार्ड करनी है तो सिर्फ 4 रुपीज़ में, पर्सन इन न्यूज़ करनी है तो 28 रुपीज़ में, राइट. तो इस तरीके से स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसकी, किसी भी कोर्स की, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की, है ना, तो आप रेडी कर सकते हैं. ओके, तो देखा कितनी अफोर्डेबल प्रिपरेशन है, राइट. सो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, राइट. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट. नहीं भी मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप abhipedia.abhimanyu.com पे जाइए और वहाँ पे जाकर आप जो है इसको सर्च करके तब भी आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं कोई भी कोर्स जो भी आपको चाहिए, चाहे फिर वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, स्टेट की करनी है, पीसीएस की करनी है, यूपीएससी की करनी है, कुछ की, किसी भी चीज़ की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप अभी पीडीएफ पे जाके चूज़ एग्जाम जोन में जाके आप कोई भी कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, ठीक है जी, इसी के साथ मैं ये सेशन यहाँ पर ओवर कर रही हूँ. थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे.